अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है वेडनेसडे, मतलब 20 जुलाई, 20 जुलाई, और सिकंदर चले गए हैं ड्यूटी पे। मतलब आज उनका हाफ डे है, 12 बजे वो ड्यूटी पे गए हैं और अभी 4 बजे आ जाएंगे। और आज मुस्तफ़ा भाई भी आने वाले हैं, मुस्तफ़ा भाई की भी छुट्टी है आज, उनका कॉल आया था कल सिकंदर को, तो वो भी आ जाएंगे, आज उनकी छुट्टी है। शाम में हम जाएंगे शायद बंगाली मार्केट, और अभी टाइम हो गया है कुछ 4:18 हो गया है और खाना बन गया है। सिर्फ राइस बनाना है क्योंकि राइस सिकंदर को थोड़ा गर्म रहता है तो ही खाने के लिए अच्छा लगता है। तो मैंने आज बनाया है चिकन, पता नहीं कैसे बना होगा क्योंकि मेरा किचन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो मैंने बनाया है चिकन, और राइस जब सिकंदर को थोड़ा आने के लिए टाइम रहेगा तब बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं नमाज़, क्योंकि यहाँ पर असर की अज़ान हो गई है, 4:19 हो रहा है, 3:48 समथिंग कुछ अज़ान होती है यहाँ पे असर की। तो नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। सो हो गई है नमाज़ अदा हो गई है, अभी कुछ मेरे काम बाकी है। अभी राइस मैंने रख दिया है स्टीम पे, लगा दिया स्टीम राइस बनाने के लिए। और सिकंदर अभी तक आए नहीं है, 4 बजे उनकी छुट्टी होने वाली थी, अभी तक छुट्टी हुई नहीं है। अभी मैंने कॉल किया था तो शायद उनकी कुछ मीटिंग हो गई थी, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना था उनको, तो थोड़ा टाइम लगेगा, शायद अब निकल गए होंगे, बोले थोड़ी देर में निकलता हूँ। और राइस तो लगा दिया है स्टीम पे मैंने, और यहाँ पे कपड़े भी लगाए हैं मैंने मशीन में, कपड़े भी धुल रहे हैं। इसके बाद में थोड़े बर्तन हैं धोने के लिए, जब तक सिकंदर आते फटाफट काम कर लेते हैं। और सुबह से मैंने कुछ खाया ही नहीं, सुबह मतलब मैं लेट ही उठी थी कुछ 2 बजे के करीब, क्योंकि रात में हमको सोते सोते बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, 5, 4:30, 5 ऐसे बजते हैं रात में सोते सोते, तो फिर दिन में लेट ही उठते हैं। और मैं उठी थी 2 बजे, तो मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, बस थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाए थे मैंने। और भी वेट कर रही, सिकंदर आएंगे तो फिर साथ में लंच करेंगे, और आपको दिखाती हूँ मैंने जो बनाया है चिकन। तो ये है मैंने बनाया हुआ है, पता नहीं दिखने में तो अच्छा लग रहा है, और खोलने पे खुशबू भी अच्छी आ रही है, होप सो सिकंदर को पसंद है। और यहाँ पे राइस है, थोड़े बर्तन है धोने के लिए, तो ये छोटे मोटे काम कंप्लीट करके फिर आपसे मिलते हैं। सो हो गए हैं सारे काम, और अभी मैं बस सिकंदर का वेट कर रही हूँ। और जॉर्डन वाले व्लॉग से आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, आज व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जॉर्डन से आने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और सिकंदर को तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला था, जिस दिन हम लोग आए थे घर पर 4:30 बजे, फिर सिकंदर 8:30 बजे ड्यूटी पर चले गए थे, उसके बाद कंटिन्यूसली उनकी ड्यूटी थी, और परसों उनकी छुट्टी थी, परसों उनको छुट्टी मिली थी, आज उनका हाफ डे है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब वॉमिटिंग एंड फीवर, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया था मुझे। और जिस दिन हम आए थे उसके नेक्स्ट डे सिकंदर की ड्यूटी थी कुछ 4 बजे की समथिंग, हाँ 4 बजे की कुछ ड्यूटी थी या 12 बजे की, याद नहीं है मुझे। उनके जाने के बाद मैं मतलब रात भर तो मैं सो ही थी, फिर उनके सिकंदर चले गए, घर में कुछ खाना भी नहीं बनाया था मैंने, सिकंदर चले गए, बोले मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, और तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी। फिर उस दिन मैं मतलब पूरा टाइम सो ही रही थी, 9:30 बजे कुछ 9:45, 9:30 को मैं कुछ उठी, सिकंदर भी आ गए।
ये लो आ गए, जिसका मुझे था इंतज़ार। हाँ कोई नहीं, ये ब्लॉग शूट हो रहा है। हाँ ये क्या है? वो खाना मैंने बनाई हूँ, दाल पालक क्यों लाया? चलो फ्रेश हो जाओ। तुम्हारा वाला खाना पसंद नहीं आया? अच्छा ठीक है, फिर दाल ही खाओ तुम। तुम्हारा वाला खाना खाते कुछ हो गया मुझे तो, इसलिए मैं दाल पालक लेकर आया। हाँ ठीक है, वही खाना। सिकंदर आ गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि उस दिन मैं कुछ 9:30-10 बजे उठी थी, और शायद सिकंदर कॉल कर रहे थे मुझे, और सिकंदर के साथ में जो काम करते वो लोग भी मुझे कॉल कर रहे थे, तो मेरा कॉल ही नहीं लग रहा था, पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम हो गया था। तो सिकंदर तबीयत तो मेरी ऑलरेडी ख़राब थी, सिकंदर बोले पता नहीं क्या हो गया है, तो फिर वो ड्यूटी पे से डायरेक्ट 10 बजे आए, तो फिर देखे मैंने बोले कुछ खाया, मैंने बोला नहीं मैंने कुछ खाया नहीं है अभी तो बस। हाँ और दोपहर में जब उठी थी तो मैंने ऑमलेट ब्रेड खाया था, एक ब्रेड खाया था बस। तो फिर सिकंदर लेके गए थे अपने रेस्टोरेंट में, मुझे फिर लेके गए, फिर वहाँ से हम खाना वाना खा के फिर रात में 2 बजे आए। फिर भी मुझे फीवर आ रहा था, फीवर जैसे लग रहा था, फिर मैंने टैबलेट लिया एक, फिर सो गए। फिर उसके दूसरे दिन भी हल्का हल्का था, फिर अब थोड़ा आराम है। तो बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो गया था हमारा जॉर्डन का ट्रैवल। कैसा है? अभी तो बोल रहे थे नहीं खाऊंगा कुछ भी। मिया मिया मतलब मिया मिया यानी 100 out of 100। अच्छा अरे हा? देखना था घर में क्या क्या है क्या नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? हाँ और तबीयत वगैरह ठीक है? और कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? हाँ आज अभी ठीक है, थोड़ा 2-3 दिन से ठीक है। तो ये हम आ गए हैं मुस्तफ़ा भाई के साथ बंगाली मार्केट। एक्चुअली ये है सलामा में, और इसका नाम बंगाली मार्केट नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं तो इसको बंगाली मार्केट बोलते हैं, और यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, और सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छी ताज़ी मिल जाती है, और रीज़नेबल रेट में भी मिलती है। तो जब भी हमको लेना होता है तो हम यहीं आते हैं। रीज़नेबल रेट इन द सेंस मतलब इंडिया से थोड़ी महंगी ही मिलती है यहाँ पे, फ्रूट्स हो गए और फिर ये सब्ज़ी वगैरह हो गई, बट जो सुपर मार्केट्स वगैरह में हम जाते हैं, मॉल वगैरह से लेते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी महंगी मिलती है। और ये मतलब फ्रेश एकदम ताज़ी और वहाँ के कम उसमें पैसे में मिलती है, कम भाव में मिलती है, तो हम यहीं पे आ जाते हैं। मुस्तफ़ा भाई भी अकोमोडेशन यहीं पे, तो उनको रिसीव करते हैं, उनको भी कुछ लेना होता है, हमें भी लेना होता है, तो फिर हम यहीं पे आ जाते हैं। तो जो भी हमको लेना होता है पूरे एक हफ्ते का, फ्रूट सब्ज़ी या फिर चिकन वगैरह जो भी, हम सब यहाँ से ले लेते हैं एक साथ में। फिर हम यहाँ पर आ गए हैं अंदर स्टोर में, यहाँ से भी हमको कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, मतलब ऑयल्स वगैरह, ऑयल लेना था, और फिर मैगी पास्ता और भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी जो स्टोर से हमको लेना था। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, लेस वगैरह लिया, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लिया हम लोगों ने, फिर ये सब लेने के बाद यहाँ से हम निकले। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं सलामा में ही मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, यहाँ पे ग्लास लगवाने थे हमको अपने मोबाइल पे, स्क्रीन गार्ड लगवाने थे सिकंदर के मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे,
और पीछे जो कवर पे रिंग टाइप होता है वो लगवाना था सिकंदर को भी, फिर मैंने भी अपने मोबाइल पे लगवाया। और ये देखो, ये एक मुझे कुछ अलग दिखा, पता नहीं आप लोगों ने शायद पहले देखा होगा, मुझे फर्स्ट टाइम ये दिखा। ये यहाँ पे मिरर है और इसमें ईयरफोन है, ये ईयरफोन केस है, उसमें मिरर था। मैं बाहर ही हूँ, आप लोग जाओ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। एक एक हाँ उधर से हाँ ये बेचारे मुस्तफ़ा भाई आधे से ज़्यादा सामान खुद अकेले लेकर आए हैं रूम पे। और अब हम आ गए हैं घर, ये सारी चीज़ें आ गई थी तो मैं इनको सॉर्ट आउट कर रही थी, जो चीज़ जहाँ थी वहाँ पे रख रही थी। बाय द वे ये आधी चीज़ें थी, आधी चीज़ें सिकंदर हमने जो स्टोर से ली थी, मैंने आप लोगों को दिखाया स्टोर में हम कुछ सामान लिए थे, वो चीज़ें हमने स्टोर में ही भूल गए। उनको बोला हम आते हैं थोड़ी देर में मोबाइल शॉप से, वो वहीं पर भूल गए थे। फिर बाद में सब चीज़ें निकालने के बाद मुझे पता चला कि वो मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत सामान कम दिख रहा है। फिर उनको हम लोगों को क्लिक हुआ कि वो स्टोर से हम लोगों ने रिसीव ही नहीं किया। फिर उसके बाद में वापस ये दोनों सलामा गए, वहाँ से वो सारे सामान लेकर आए रिटर्न। वो बेचारा कब से वेट कर रहा था, एटलीस्ट उसको पे कर दिया था हमने मगर। क्यों इतना सा? लो कबाब लो, ये मेरा है, पेट दुखेगा। चलो संभाल के जाओ, ठीक है? चलो आओ फिर छुट्टी वाले दिन। चलो अल्लाह हाफिज। सामान तुम्हारा गाड़ी में ही है ना? अल्लाह हाफिज। बज रहे हैं रात के 2:06 और अभी गए हैं मुस्तफ़ा भाई, सिकंदर गए हैं मुस्तफ़ा भाई को छोड़ने कार से उनके घर पे, क्योंकि अभी टैक्सी मिलेगी नहीं जल्दी। और हो गया है खाना वगैरह, जो मेरे को बहुत पसंद आया खाना, कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने कबाब खाया और चिकन का सालन खाया, उनको बहुत अच्छा लगा। और हो गया अभी हम बस बातें करते बैठे थे, फ्रूट्स वगैरह खाए और गए अभी वो लोग। तो चलो ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लास्ट चीज़, अगर आप वो लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनल वाला अल्लाह हाफिज़।